दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज पर आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बीते गुरुवार को FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने FIR में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को आरोपी बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि वह प्राथमिकी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। मालीवाल की ओर से कई पन्नों की शिकायत दर्ज कराने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वही स्वाति मालीवाल और विभव कुमार का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब दोनों ने दिल्ली पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्वाति मालीवाल ने अभद्रता और मारपीट की शिकायत की तो विभव कुमार ने क्रॉस FIR में कई गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल पर लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि विभव कुमार की क्रॉस FIR में कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्वाति मालीवाल बीते 13 मई को सुबह तकरीबन 8-8:30 बजे के बीच सीएम आवास पहुंची तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। पहचान पूछने पर स्वाति मालीवाल ने खुद को राज्यसभा सांसद बताया और दरवाजा खोलने की बात कही। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट वह केजरीवाल से मिल नहीं सकती। इस पर स्वाति जबरन सीएम हाउस में कैंपस में प्रवेश कर गई। इसके बाद सीएम स्टाफ ने वेटिंग रूम में स्वाति मालीवाल को इंतजार करने को कहा तो वह चिल्ला उठी और अपॉइंटमेंट चेक करने को कहा। आरोप है कि इस दौरान स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के स्टाफ को गाली गलौज भी की। वहीं स्वाति मालीवाल करीब 9 बजे बिल्डिंग के अंदर चली गई। विभव कुमार के मुताबिक इसकी सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और सीएम से मिलने के लिए नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस पर स्वाति मालीवाल भड़क गई और विभव कुमार के साथ भी जमकर गाली गलौज करने लगी। गुस्से में स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के अंदर जाने लगी तो विभव उनके सामने आ गए। इस दौरान आरोप है कि इस पर स्वाति मालीवाल ने विभव को धक्का दिया और खुद सोफे में बैठ गई। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने बिना किसी बात के 112 नंबर पर फोन लगा दिया और बेबुनियाद आरोप लगाने लगी। वहीं इस दौरान स्टाफ को बुलाया गया तो स्वाति मालीवाल धमकी देते हुए सीएम हाउस से बाहर चली गई। विभव कुमार ने आरोप लगाया कि इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में ये सब भाजपा नेताओं के कहने पर हुआ है। विभव कुमार ने ये मांग की है कि स्वाति मालीवाल के कॉल रिकॉर्ड, चैट और बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अब ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करती है। वीडियो डेस्क NVT ऑनलाइन।